शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईर्ष्या या कहीं बदले की भावना इंसान को क्या करने पर मजबूर कर देती है, इसीलिए कहते हैं मन में किसी भी तरह की ईर्ष्या, जलन या बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान को कुछ भी करने के लिए आमादा करती है, या कोई भी गलत काम करने के लिए, या किसी हद तक ये कहेंगे उन्हें कुछ भी करने के लिए, यानी कि उन्हें उकसाती है। इसीलिए कहते हैं कि ईर्ष्या को या बदले की भावना को मन में नहीं रखना चाहिए, वो इंसान को हैवान भी बना देती है। एक बड़ी खबर जो कि सुंदर से आ रही है, बताना चाहेंगे। सुंदरबनी गांव में दो गाड़ियों में आग लगाने के मामले का 24 घंटे के अंदर हुआ खुलासा और पुलिस ने धर दबोचा। पूरी खबर क्या वो भी समक्ष आपके रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। अपराध में शामिल होने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को थाना सुंदरबनी पुलिस ने, यानी के शिकायतकर्ता सतपाल पुत्र कृष्णलाल निवासी फुलवारी बजवाल सुंदरवली द्वारा दिए गए एक लिखित आवेदन में आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें किया गया कि मंगलवार बुधवार की मध्य रात्रि यानी लगभग 11:30 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके वाहनों में आग लगा दी। वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर JK11G3081 मोटरसाइकिल और JK11F1369 महिंद्रा बोलेरो लोड कैरियर था। मोटरसाइकिल की तेल टंकी तोड़कर गाड़ियों में आग लगा दी गई। इस सूचना पर थाना सुंदरबनी में मामला FIR संख्या 1/2024 अंडर सेक्शन 435 ICPC दर्ज कर लिया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी प्रासंगिक साक्ष्य यानी के रेलेवेंट जो थे साक्ष्य उन्होंने एकत्रित किए और साथ ही साथ कुछ विश्वसनीय सुराग के आधार पर एक संदिग्ध को चुना गया, जिसका नाम सतीश कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी लामन बजवाल उम्र 26 वर्षीय है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए संदिग्ध ने अपराध में अपनी संलिप्ति यानी के खुद की इंटरफेरेंस का खुलासा किया। आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। यानी इंसान की अगर ये भी बताया जा रहा सूत्रों के आधार पर, हम तो जो खबर आई है कि कहीं आपसी कोई रंजिश थी, आपस में इनकी कोई रंजिश थी, गाड़ियों को शायद लेकर थी, जिसके चलते इस व्यक्ति ने अपने जिसके साथ रंजिश थी उसकी दोनों गाड़ियों को आग लगा दी और जो पेट्रोल की टंकी वो भी तोड़कर उस दोनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और इसकी सूचना जब सुंदरबनी पुलिस स्टेशन में मिली तो तुरंत उन्होंने कार्रवाई करते हुए कुछ साक्ष्य यानी रेलेवेंट जो प्रूफ थे उन्हें यानी कि उनका उनको एकत्रित किया और उसके बाद उन्होंने पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को यानी कि हिरासत में लिया। उस व्यक्ति ने फिर कहा कि वाकई उनकी इसकी उसकी संलिप्ति है इसमें, मतलब मींस के उसमें इसमें संलिप्ति पाई गई है इस घटना को अंजाम देने में। तो ये ज़रूर कहेंगे कि बदले की भावना, चाहे कोई भी छोटा इशू हो या बड़ा इशू हो, इंसान को इंसान से क्या करवा देता है कि इंसान को ये भी नहीं पता चलता कि आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजे में पड़ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं अगर कोई भी मतभेद नहीं होने चाहिए, और जब मनभेद होते हैं इंसान के सोच अलग तरह से हो जाती है, इंसान की जब बदले की भावना होती है तो इंसान कुछ भी कर बैठता है, यानी बदले की भावना को अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर देता है। तो इसीलिए बार बार हम यही कहते हैं कि कोई भी बात हो, बात करने से बात बनती है। अगर आपको कोई रंजिश है, अगर आपको कोई शिकायत है, तो चाहे वो दोस्त है, आपके सहयोगी हैं, चाहे आपके वो परिजन हैं, उनसे बैठकर बात करने से ही मसले हल होते हैं। और ये नहीं कि अगर आपने कोई आप में आपसी रंजिश है अब इस तरह की घटना को अंजाम दे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट कर सकती हैं। इस तरह की घटनाएं वैसे ही आप देख रहे हैं पुंछ राजौरी में किस तरह से आतंकी जो सक्रिय हो रहे हैं, तो इसके चलते लोगों में गलतफहमी मिसकंसेप्शन हो सकता है, जिसके चलते लोग डर और भय के माहौल में खुद को समझते हैं। तो शुक्र है कि उस व्यक्ति ने जब पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई और उसके बाद पुलिस ने तुरंत यानी कि जो साक्ष्य थे, रेलेवेंट जो सबूत थे, उन्हें यानी कि एकत्रित किया और उसके बाद पूछताछ शुरू की। एक व्यक्ति को जब हिरासत में लिया गया तो उन्होंने खुद कहा, यानी उस व्यक्ति ने इस चीज को कबूला कि मैंने वाकई में संलिप्ति है इस घटना को अंजाम देने में। और ये ज़रूर कहेंगे कि पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटे क्या 12 घंटे के अंदर कोई भी किसी भी घटना को अंजाम देने वाले या किसी भी क्राइम को अंजाम देने वाले आरोपियों को यानी कि धर दबोच सकती है। और लगभग यानी सुंदरबनी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को यानी पकड़ा और पूरी छानबीन की है। और इस व्यक्ति ने भी कहा है कि वाकई कि मेरी संलिप्ति है इस पूरी घटना को अंजाम देने में। यही बार बार, क्योंकि इस तरह की चीज़ें, इस तरह
की स्टोरीज और इस तरह की खबरें आप तक हम इसलिए लाते हैं कि हमें इससे सीख मिलती है, हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती शायद हमारे दिमाग में भी चल रही हो ऐसी चीज़ों को देखने के, क्योंकि अपराध कोई भी हो चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कानून के हाथ बड़े ही लंबे एक न एक दिन जो कि अपराधियों के गिरेबान तक पहुँच ही जाते हैं। चाहे हम आपसी मतभेद की बात करें, चाहे लड़ाई झगड़े की बात या चोरी की बात करें, यानी एक ना दिन वो शिकंजे कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। तो इस दुनिया में हम ये ज़रूर कहेंगे कि बात बनने करने से ही बात बनती है, अगर इससे बड़ी कोई आस पास में कोई घर होते या वो पेट्रोल ज़्यादा आग पकड़ लेता जो मोटरसाइकिल, तो घरों को नुकसान भी हो सकता था, किसी की जान ही नुकसान भी हो सकता था। शुक्र है भगवान का कोई जान ही नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल उस आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हिरासत में लिया है और अब आगे की जो कार्रवाई और पूछताछ जारी है, अब क्या निकल कर आएगा ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन या जांच का विषय होगा। जो हम तक खबर पहुंची हमने आपके समक्ष रखी, जनता जो इस समय हमें देख रही है अपने राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। शेयर का मतलब ये हम इसलिए कहते हैं, अपनी जनता से ये जरूर कहते हैं कि शेयर करने से ये खबरें जो हैं जो हम आप तक कोई भी अपडेट जब देते हैं कि दूसरों तक पहुँचे और दूसरों को भी सीख मिले, और ख़ास करके उन लोगों को जिनकी मानसिकता बदले की भावना की हो, चाहे वो अपने कुलीग हो चाहे वो अपने परिजन हो चाहे अपने फ्रेंड्स हो, तो बदले की भावना इंसान को हैवान बना देती है। ये तो अभी शुक्र है भगवान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर ये ज़रूर कहेंगे कि मन में बदले की भावना मत रखिए। जिस भगवान की बनाई हुई दुनिया है उन लोगों से प्यार कीजिए, अगर कहीं मन में मन मुटाव है उसे ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। उसका एक ही साधन है कि आप बात करिए और बात करने से ही बात बनती है। अगर बात नहीं करेंगे आप मन ही मन में अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, अंदर ही वो चीज़ जो आपका गुस्सा है वो एक लावा बनता रहेगा जिससे आप इस तरह की घटना को अंजाम दे देंगे। आपका कहना जरूर क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।